नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात है 13 जून 2011 की, जब 145 मीटर लंबा कार्गो शिप जुहू बीच पर आ गया। जी हाँ, यह शिप जुहू बीच पर आ गया था और इसके बाद यहाँ पर सनसनी मच गई। आपको बता दें कि विजडम नाम का यह शिप बांद्रा वर्ली सीलिंग की तरफ बढ़ रहा था, जब वहां से तेज समुद्र के झोंके आए तो यह जुहू बीच की तरफ आ गया और इसे देखने के लिए जुहू बीच पर भीड़ जमा हो गई। यह शिप इतना लंबा था कि इसके आगे लोग बौने नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि इस शिप पर 9,000 टन सामान लदा हुआ था और खराब मौसम की वजह से यह शिप यहां आ गया था। शुरुआत में लोगों को यह लगा कि यह अबेंडेंट शिप है, लेकिन यह अबेंडेंट शिप नहीं था। यह एक मालवाहक शिप था जो गलती से जुहू बीच की तरफ आ गया था। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।